हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम अपन गए थे सातपाड़ी का जो मेला लगा था वहाँ पे, तो उस टाइम भी रात को निकले थे, आज भी अपन रात को निकल चुके हैं। और आज है हनुमान जयंती, तो आज अपन जा रहे हैं केलवा बीच, जहाँ पे शीतला देवी का मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है। वहाँ पे मेला लगता है, 3 दिन का मेला लगता है, हनुमान जयंती से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद खत्म होता है। तो अभी अपन निकल चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं। और इस रोड पे तो मतलब आराम से आप जा सकते हो, पब्लिक आती जाती रहती है और बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, वो तो अपन को मेला में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि रास्ते पे भी मतलब आप आराम से आ जा सकते हो, इतना मतलब सुनसान रास्ता नहीं रहता है कि अंधेरा हो जाएगा या फिर देर रात तक आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, इतना मतलब डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ का रास्ते का ना बीच में काम चलू था और अभी ये ना मस्त एकदम बना के हो गया, एकदम भारी रास्ता हो गया यहाँ का, सीधा सीधा जो अपन आते हैं 4 रास्ते से। देखो क्या मस्त व्यू है नाइट के टाइम पे भी, और स्कूटी रहती है ना तो एक हाथ से भगाने में बहुत ही अच्छा लगता है और व्यू भी अच्छा आते है और मस्त। तो दोस्तों, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी और यहाँ पे 20 रुपीज है ना, इस पे गाड़ी का नंबर लिख रहे है ना कुछ ऐसी, ना ठीक से मेंटेन कर रहे पार्किंग, खाली एक ही जगह पे बैठ के यूट्यूबर। तो दोस्तों, यहाँ पे एंट्री वो यहाँ से सब शॉप भी चालू हो जाते, जितने भी खिलौनों के है वगैरह, और कितनी सारी पब्लिक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आते हुए जाते हुए। तो मस्त मेले में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्या क्या है एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या मस्त लाइटिंग करी है, पेड़ के ऊपर एकदम ग्रीनरी इफेक्ट आ रहा है एकदम। और ये बराबर मंदिर के सामने की तरफ ही है, तो आप आते हैं तो दर्शन ज़रूर लेना। और यहाँ पे सब शॉप्स आए वो अपन सब एक्सप्लोर करेंगे, खिलौने वगैरह ये। और ये बंदूक तो देखो कितनी, ये गन एकदम रियलिस्टिक लग रही है, लेकिन इसमें रहते छर्रे जिससे अपन ये बलून फोड़ सकते। बाकी यहाँ पे देखो कितने सारे खिलौने हैं, वो जो अपन ने लास्ट टाइम देखे थे ना जो सातपट्टी में मेला लगा था, वैसे ही नॉर्मल से रहते। और ये सब लकड़ी से बने हुए, अलग अलग चीज़ों से बने हुए, कितना मस्त यहाँ पे आर्टिस्ट का काम है। और बाकी ये देखो, इसको कहते हैं भारी एकदम, कैसे कैसे बलून्स बना दिए एकदम, उसके अंदर लाइटिंग डाल दी, जैसे अपन ने लास्ट टाइम वो बॉटल्स लिए थे ना, तो उस तरह से एकदम बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ पे देखो ये फ्लावर्स भी एकदम रियलिस्टिक लग रहे हैं, और इसके बाजू में ये कांच के ग्लास, और यहाँ पे ये चूड़ियाँ, बहुत कुछ आता है यहाँ पे मेले में, मतलब जिसको जो चाहिए वो खरीद सकता है। बाकी यहाँ पे सब पूजा का सामान वगैरह भी मिल जाएगा आपको मंदिर के सामने ही। तो दोस्तों, मेले में ना बहुत बहुत तरह के अलग अलग झूले आते हैं, और ये देखो कैसे, मैं तो किसी एक में भी नहीं बैठता यार, मेरे को तो किसी में नहीं जमता, बिकॉज मुझे तो मोशन थिकनेस हो जाती है, वोमिटिंग आ जाती है, इधर बैठ गया और किसी के ऊपर कर दी तो फिर तो लग गई उसकी, इससे अच्छा मैं बैठता ही नहीं किसी में। और ये है दूसरा, जहाँ पे देखो कितना मस्त घूम रहा है और कितनी अच्छी लाइटिंग करी गई है, और उसके बाजू में जो घूम रहा है ना वो तो बहुत ही डेंजर है। और दोस्तों, अभी ये ड्रैगन ट्रेन देखना, क्या डेंजर आती है यहाँ से, ऐसे घूमते घूमते ऐसा लग जाता है गिर जाएगी कहीं, लेकिन सही है। और यहाँ पे ये छोटा सा स्विमिंग पूल है, जहाँ पे बच्चे स्विमिंग तो नहीं करते लेकिन ये बोट चलाते, ऐसा बना हुआ है मतलब स्विमिंग पूल जैसा, जहाँ पे बोट चला सके। बाकी यहाँ पे ये छोटे झूले भी है छोटे बच्चों के लिए। और अभी ये देखो, ये मैं बोल रहा था इसके बाद कि यार ये इतना डेंजर घूम रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि यार ये इतना स्पीड पकड़ रहा है कि अब ये रुकेगा कैसे, ऐसा लग रहा था इसको ना ब्रेक वगैरह कैसा रहते क्या पता, तो ऐसे घूम रहा था ना ये, देखो कितना स्पीड पकड़ रहा है अभी देखना। तो इतने फास्ट घूमते घूमते अगर कुछ खुल गया ना तो फिर लेने के देने हो जाएंगे, तो इसलिए चलो, लेकिन अच्छा है कि इसको रोक सकते आराम। और दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे सब अलग अलग तरह के पेड़े मिल जाते हैं मेले में। बाकी ये देखो डॉल्स कितनी बढ़िया है, एकदम मस्त लग रही है। तो अभी अपन आ चुके हैं बीच के साइड में, और देखो लहरें उठ रही है मस्त, और अच्छा है कि मस्त रिकॉर्डिंग हो रहा है, वरना कुछ नहीं दिखता तो फिर मज़ा नहीं आता। वैसे लाइट्स भी है यहाँ पे पीछे की साइड तो अच्छा है। तो अभी चलो बीच घूमते ज़रा, रात के टाइम देखो कैसे मस्त लहरें उठ के आ रही है। एक्चुअली आज मून नाइट है इसलिए भी थोड़ी लाइट्स ज़्यादा है आसमान में। तो देखो दोस्तों, रात के समय हम लोग बीच पे आए हैं, और क्या नज़ारे यहाँ पे, कितनी सारी भीड़ है, लाइट्स भी बहुत ज़्यादा है, और तो और पब्लिक जो आ रही है मेले में घूमने के लिए वो बीच पे तो आती है, और बीच इतना नज़दीक है कि मस्त एकदम। और लहरें देखो कितनी शांत उठ रही है आज, तो ऐसा मौसम हो तो मेले में आने भी अच्छा रहता है और घूमने के लिए भी मस्त है।
बाकी यहाँ पे कोने कोने में तो ऐसे कपल भी छुपे हुए बैठे हैं, हम लोग ऐसे चलते चलते आए थे इधर। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे मुझे मोटू दिख गया, लेकिन इसका दोस्त पतलू किधर है पता नहीं। तो दोस्तों अभी अपन आ चुके दूसरे साइड में, और ये जो स्कूल है यहाँ पे उधर ये सब झूले लगे हुए, और यहाँ पे ना यहाँ पे भी मतलब भीड़ है बहुत सारी। तो यहाँ पे भी देखो ये एक ऐसा झूला है यहाँ पे, ये कैसे घूमते आड़े टेढ़े क्या समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये तो बहुत ही डेंजर है, इसमें तो ऐसे ही बैठने का, और ये कैसे घूम रहा है देखो। बाकी इसकी लाइट्स ना मेरे को बहुत मस्त लगी, एकदम बढ़िया तरीके से। और जो पीछे पेड़ आ रहे वो भी मस्त लग रहे, और पब्लिक देखो कितनी सारी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये एक ट्रेन है छोटी वाली, ड्रैगन ट्रेन। और एक ये यहाँ पे ना, और दोस्तों यहाँ पे ना ये सबसे बड़ा झूला मेरे को ये लग रहा है जो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा था और एकदम अच्छे तरीके से लगा, क्योंकि बीच में वहाँ पे गए थे वहाँ पे पेड़ बहुत थे। तो ये देखो कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे यार, मेला में हमारे साइड में ना पब्लिक बहुत घूमती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ना स्लो मोशन रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे देखना आप जो इस झूले में बैठे उनके रिएक्शन कैसे, कैसे हंस रहे, कैसे डर रहे, कितना स्कैरी है, देखना ज़रूर। तो दोस्तों स्लो मोशन में देख लिया, लेकिन अभी देखो रियल स्पीड उसकी ये है, और ये देखो अभी कैसे दिख रहा है और कितना मस्त ये घूम रहा है। तो चलो अभी इधर से अपन निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों वीडियो को करते यही पे, घड़ी में बज चुके 12:15 और अभी अपन लोग निकल चुके रिटर्न टू होम। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए और आपको मेरे मोटो व्लॉग देखना अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ऑलवेज हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सेफ राइड। तो चलो अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, बाय बाय।